तो भाई अपना हेलमेट उतरवा दिया इन लोगों ने, और भाई इसको तो आने का मन नहीं करता क्योंकि इतनी हवा ठंडी चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। नहीं डिलीवर्ड हुए ना हो, क्योंकि यार कस्टमर का फोन नहीं मिल रहा है। दुख का खत्म नहीं होता बे, हेलमेट उतार लिया, गजब बेइज्जती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज अपन इस ब्लॉग की शुरुआत अपने PNDR से कर रहे हैं भाई, और आज बहुत दिनों बाद से कर रहे हैं PNDR से, बिकॉज यार अपन गए थे न्यू ईयर के टाइम पे काशी, तो इस चक्कर में भाई थोड़ा वहाँ पर रहे, फिर घर पे आए, थोड़ा घर के काम थे, तो इस चक्कर में यार PNDR अपन आ नहीं पाए थे, मतलब भाई अपन अर्निंग कर ही नहीं पाए थे। तो आज सीधा 6 तारीख है भाई, अभी सुबह आए हैं, स्लॉट टाइमिंग अपनी 5:45 की, तो अभी स्टेशन पहुँचे थे भाई, अराइव किया था, ऑर्डर पिकअप करे हैं, अभी पिकअप करके ऊपर बाहर आए, ऑर्डर मिले हैं अपने 2 लोकेशन के, और लेकिन पता अच्छी बात क्या है, ऑर्डर सिर्फ 2 ही है भाई। अच्छा फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूट का सीन क्या है। इधर भाई 2 डिजिन टर्नी में आते हैं मैप के अंदर, तो देख लो भाई अभी अपन खड़े वेयर हाउस पे, 3 नंबर गौशाला फाटक, 2 नंबर दिखा रहा है भाई ये आपका क्रॉसिंग का है, पैरामाउंट समरी माउ, सभी ऑर्डर पेड़ अच्छी बात है भाई, और टाइम रखा है 6:13। इधर आते हैं अपन कैलेंडर के अंदर, और आज है 6 तारीख, स्लॉट टाइमिंग अपना 5:45 का, तो भाई अपना यही स्लॉट है आज सुबह का, और अपन करेंगे भी यही, बिकॉज एक तो भाई अपने पास थोड़ा मतलब यार काफ़ी दिन से काम वाम पे नहीं थे, थोड़ा मन नहीं काम करने का, और दूसरा अपना थोड़ा काम सा भी है घर पे यार, तो ब्लॉक आ गया सुबह का, तो मैं इसलिए करना आगे से इसे करके अपन निकलेंगे घर के लिए, बट उससे पहले अपन इन दोनों ऑर्डर करते हैं कम्प्लीट, पहले चलेंगे अपन क्रॉसिंग, फिर चलेंगे अपन कैलाश नगर, बिकॉज कैलाश नगर का ऑर्डर कंफर्म नहीं है, डिलीवर्ड हुए ना हो, क्योंकि यार कस्टमर का फोन नहीं मिल रहा है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी बाइक का मीटर है 7750 भाई, मतलब 51 होने वाला है बस, 100 मीटर बाद ही 9 पे है ना सुबह बिल्कुल। तो फिलहाल ना सीधे निकलते क्रॉसिंग के लिए, मिलते हैं लोकेशन पे पहुँच कर। सुबह का टाइम भाई, मौसम रखा एक नंबर भाई, मतलब मैं और दिन काम पे तो नहीं आया, लेकिन हाँ मैंने देखा भाई काफ़ी कोहरा रहता था, लेकिन भाई कोहरा नहीं है, बाकी अपन चलते बाहर हाईवे पे तो पता पड़ेगा क्या सीन रहता है। 2000 years later अनिल भाई पहुंच चुके हैं क्रॉसिंग, और अभी जो अपना ऑर्डर है ना भाई, सोसाइटी है फर्स्ट पैरामाउंट क्रॉसिंग की भाई, फर्स्ट सोसाइटी पड़ती है पैरामाउंट, अभी भाई सुबह का टाइम होता है, जगह भी पार्किंग की, वरना भाई दिन में आओ ना पार्किंग का स्पेस नहीं मिलता यहाँ पे, बात तो सही है। यहाँ ना भाई एक सीन हो रहा है हेलमेट का, उसका देखते हैं भाई क्या सीन रहता है, ठंड तो काफ़ी पड़ रही है लेकिन कोहरा नहीं है, एक एंट्री कर देना हेलमेट उतार, गजब बेइज्जती है। हाँ उतार रहा हूँ, एंट्री तो करो। तो भाई अपना हेलमेट उतरवा दिया इन लोगों ने, और भाई इसको तो आने का मन नहीं करता क्योंकि इतनी हवा ठंडी चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, हाथ वगैरह सब कुछ सुन हो गए हैं भाई, कोहरा तो नहीं है लेकिन ठंड काफ़ी तगड़ी हो रखी है। लिफ्ट खड़ी है भाई नीचे, इससे अच्छी बात क्या आपने ये आ चुके फ्लोर पे, अपना फ्लैट पड़ेगा आई थिंक इस साइड भाई, इनके ऑर्डर से 3 दूध के डब्बे हैं, ऑर्डर है आपका, थैंक यू। लिफ्ट खड़ी है, इससे अच्छी बात क्या आपने ये, भाई चलते हैं ग्राउंड में करते हैं डिलीवरी ऑर्डर को, वही सेम प्रोसेस है पहले वाला, कंटिन्यू कंफर्म राइट मंडे राइट टू फिनिश, टाइम रखा भाई 6:36, मतलब कि भाई अपन 20 मिनट के अंदर मैंने डिस्टेंस और एक ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। तो भाई कंप्लीट हो चुका है अपना फर्स्ट ऑर्डर, और अभी चल रहा है अपन अपने सेकंड ऑर्डर की लोकेशन पे, जो कि भाई लास्ट ऑर्डर है आज का अपना कैलाश नगर का है, कस्टमर से बात हो नहीं पाई है क्योंकि यार ये ऑर्डर है गली मोहल्ले का ऑर्डर है, मतलब भाई कॉलोनी का ऑर्डर है, सोसाइटी एरिया में कोई दिक्कत नहीं होती, अपने सोसाइटी एरिया में अपने पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि भाई मतलब अपन फ़ोन लगा सकते हैं, इंटरकॉम हो सकता है, अप्रूवल हो सकता है, नहीं तो भाई लास्ट ऑप्शन गार्डन के साथ जा सकते हैं। वोटिंग एरिया में थोड़ी सहूलियत होती है, अगर नंबर सीरियल वाइज है तो अपन तब डिलीवर कर सकते हैं ऑर्डर, लेकिन जो ऑर्डर अब जो अपन लेके जा रहे हैं ना, ये ऑर्डर गली मोहल्ले का भाई, यहाँ इतनी दिक्कत होती है, लोकेशन एक्यूरेट होती नहीं है, मकान नंबर जो होते नहीं एक्यूरेट, ना ही मकान नंबर होता सीरियल वाइज, बहुत दिक्कत होती है ऐसे ऑर्डरों में। बाकी अपन चले जाए लोकेशन पे, जो सीनों का आपको बताई देंगे। फाइनल भाई पहुँच चुके हैं अपने सेकेंड एंड लास्ट लोकेशन पे, अब कस्टमर को आना पड़ेगा फ़ोन, बिकॉज कन्फर्म नहीं ना लोकेशन कहाँ है, मतलब एड्रेस कहाँ उनका, अभी लोकेशन लगा थोड़ी सी आगे, तो कस्टमर को लगा लेते फ़ोन अपन। गली नंबर 5 कौन सी है, इस गली से आगे वाली, अच्छा हाँ पतली सी जो है वो, अमेजोन से ऑर्डर है आपका एक, मैं ये मंदिर पे हूँ शायद, मंदिर है क्या है ये, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आया हूँ जहाँ पे बोर्ड लगवा दिया प्रकाश के नाम से, हाँ जी हाँ जी आओ, ठीक है आ जाइए। चलो भाई ये तो अच्छी बात है, लोकेशन एक्यूरेट है, कस्टमर बोल रहे आ रहे हैं, और देखते हैं अपन कितनी देर में आते हैं, जी भैया जो सामने से आ रहे हैं, बाकी कन्फर्म कर लेंगे नाम वगैरह अपन, हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल विक्रम मेरा, थैंक यू, आपको ऑर्डर लेके आया हूँ पहले भी, मैं पहले भी लेके आया हूँ आपको ऑर्डर, ये ठीक थैंक यू, हाँ ऑर्डर पेड है, करते हैं डिलीवर लास्ट ऑर्डर को भी, फिर मेरा कस्टमर 5 टू फिनिश, और भाई 6:54, और मीटर देख लो
मीटर कितना है भाई, 7764, मतलब भाई 4 भी कंप्लीट नहीं हुआ है और आई थिंक अपन 51 पर निकले थे, 51 और 64 मतलब कि भाई ये हो गया आपके 13 किलोमीटर हो गए भाई, 13 किलोमीटर पूरे नहीं हुए, 13 किलोमीटर मान लो भाई, 13 किलोमीटर चल गई बाइक और 15 मिनट तो इसमें चल गए भाई, 40 मिनट में डिलीवर्ड हो गए अपने ऑर्डर। जैसा कि भाई आपने देख लिया भाई, अपने ने मतलब दोनों ऑर्डर कंप्लीट कर दिया सिर्फ कितने देर में, सिर्फ 40 मिनट में डिलीवर कर दिया ऑर्डर, इसमें ऑर्डर और डिस्टेंस दोनों, अपनी बाइक चली सिर्फ 13 किलोमीटर और अपने क्या नाम है दो ऑर्डर 13 किलोमीटर में कवर हो गए सिर्फ 40 मिनट के अंदर। तो भाई इससे अच्छी अर्निंग कहाँ ही हो पाएगी। 6:15 पे अपन निकले थे ऑर्डर लेके और 6:55 पे मतलब भाई 54 पे ख़त्म कर दिया अपने सारे ऑर्डर। दोनों कस्टमर भाई जन्म मिले, कोई दिक्कत नहीं किसी में, मतलब सभी एक बार ही फ़ोन करने पे सारा काम हो गया था और अभी अपने स्लॉट की अर्निंग ये है भाई। तो पता भाई फ्लैक्स का बेटर ऑप्शन क्या लगता है अपने को, मतलब अपना ब्लॉक है तो जाओ वरना अपने घर पर रहो, वरना अदर कंपनी में आप किसी में काम कर लो, घर से निकलो सुबह सुबह भाई ऑर्डर आए ना आए या राइड भी कर लो, राइड आए ना आए बैटर हो 40 मिनट तो अपन बैठे रहेंगे ऐसे, तो इसलिए अपने को बैटर लगते हैं फ्लैक्स अदर कंपनी के मुकाबले। बाकी इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक करना और भाई कमेंट करके बताना वीडियो में कैसा लगा। ओके, टाटा के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो तक के लिए, बाय।